तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कसाना और आज हमने किया है CO2 फ्रिक्शन लेजर एक्ने स्कार्स के लिए। तो जब हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ तो उस टाइम काफ़ी ज़्यादा एक्ने थे, तो पहले हमने मेडिसिनल ट्रीटमेंट किया पिंपल्स के लिए। पिंपल्स के ख़त्म होने के बाद हमने स्टार्ट किया फिर दो तरह से, एक वाइवेस जो MNRF है, माइक्रोनीडलिंग RF, और साथ में हमने फिर इसमें ऐड किया है CO2 लेजर। तो जो डीप वाले, जो अंदर वाले हमारे स्कार्स थे वो हमारे हील हुए हैं वाइवेस से, बट जो सुपरफिशियल हैं, जो दिखने वाले गड्ढे हैं या ओपन पोर्स हैं, उनको हमने किया है अभी CO2 लेजर से। तो कैसा तुम्हारा एक्सपीरियंस रहा अभी तक जो है? एक्सपीरियंस अच्छा है, दर्द भी नहीं हो रहा है, हीलिंग सही हो रहा है। अभी जैसे अभी हमने लेजर, अभी हालांकि वीडियो में ट्रीटमेंट के बाद में शूट कर रहा हूं, तो अभी हमारा हो चुका है, अभी ये इमीडिएट है। अभी आप देखिएगा, अभी दूर से ऐसा नहीं दिखेगा, बट अगर थोड़ा सा क्लोज करके दिखाएंगे तो हल्के हल्के से अभी डॉट 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 फेस पे जो है वो दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये अभी हमने जो CO2 किया है उसकी वजह से अभी स्किन हमारी पील ऑफ होगी। 3-4 डेज का पूरा टाइम रहेगा, 3-4 दिन का टाइम रहेगा, जिसके बाद ये पूरी तरह से रिमूव हो जाएगा। और एक बार अभी आप मुझे फोटो अपना पुराने वाला दिखा रहे थे, तो ये फेस था जब हमने स्टार्ट किया था, है ना, ये पूरा का पूरा एक्ने स्कार्स, पूरे के पूरे जो है फेस पे पिंपल्स थे। और अभी ये सारे के सारे स्कार्स वगैरह चले गए हैं, बस जो एक्ने के डीप वाले जिनको गड्ढे बोलते हैं, है ना, तो गड्ढे अभी बस चेहरे पे हैं, और वो हालांकि वाइवेस से हमारे काफ़ी हद तक चले गए हैं, बट जो सुपरफिशियल एक है वो इससे जो है हमारे रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी आप ट्रीटमेंट देखिएगा बाकी की सारी किस तरह से होता है, और ये आपको बता दिया कि पेनलेस है, लेकिन उसको पेनलेस करने के लिए पहले हम प्राइलॉक्स अप्लाई करते हैं, क्रीम जो कि नंब करती है फेस को। अभी बाद में वैसे टिंगलिंग टाइप का कुछ सेंसेशन हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, बिल्कुल एकदम नॉर्मल ना। हाँ, तो अभी बस थोड़ी सी स्वेलिंग टाइप की आएगी, 3-4 दिन में वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ठीक है,